तो हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे डोमिनोज पिज़्ज़ा, वो भी घर पर बड़ी ही आसानी से, बहुत कम मेहनत और कम खर्च के साथ। आज हम घर पर पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी पैन में, ना कोई कुकर ना अवन, हम आसानी से पैन में पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल, थोड़े से कटे हुए इस तरीके का प्याज और थोड़ी सी छोटे टुकड़े में कटे हुए शिमला मिर्च, इसमें थोड़ी सी कटअप करके मैं डालूँगी, थोड़ी से मशरूम। आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ घर में अवेलेबल हो या जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम काट कर डालेंगे लाल टमाटर, बिल्कुल पके हुए टमाटर हैं ये, तो इसे मैं काट करके इसे भी कर लूँगी साइड। और अब मैं क्या करूँगी कि इसे पैन में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मशरूम डालकर मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी। इतना इसको फ्राई करना है कि ये 50% तक पक जाए। सब्जियां अक्सर क्या होती है कि जब भी हम पैन में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो सब्जियां हल्की सी कच्ची रह जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, 50% तक अगर हम पका लेंगे तो हमारी सब्जियां अच्छे से पक जाएगी। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, देखिए इसका कलर बदल गया है, फ्राई हो गई है ये। अब क्या करेंगे, कटे हुए टमाटर जो है मैं इसमें डालूँगी और इसे भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ओवर कुक नहीं करना है इन टमाटरों को, बस हल्का सा पका लेना है। देखिए अभी सारी सब्जियाँ जो है हल्की पक गई है। अब क्या करेंगे कि इस तरीके का एक पैन लेंगे और इसको हम प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख देंगे, क्योंकि हमें पैन में पिज़्ज़ा बनाना है तो इस तरीके का पैन लेना है। अब क्या करेंगे कि एक इस तरीके का हम प्लेट लेंगे, इस तरीके का कोई भी बर्तन लेना है और इसको क्या कर लेना है, ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ब्रश से आप इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। बर्तन जो है ग्रीस हो गई है। अब मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा बेस, ये मैंने घर में नहीं बनाया है, मेरी मार्केट वाली पिज़्ज़ा बेस है। इस तरीके का पिज़्ज़ा बेस अगर आपके पास है तो इस तरीके से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, किसी भी आपको डेयरी शॉप से या कोई भी मार्ट से आप इस पिज़्ज़ा बेस को परचेज कर सकते हैं और आपको पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो चलिए, इस पे मैं लगा रही हूँ थोड़े से पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से हम इसे फैला देंगे, अच्छे से इसको हम लगा लेंगे। पिज़्ज़ा मुझे बहुत ही चटपटी और थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है, तो चलिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली सॉस और इसे भी मैं अच्छे से इसमें मिलाकर अच्छे से फैला लूँगी। तो इस तरीके से आप चारों तरफ इसको फैला लें। अब मैं डालूँगी इसमें मोजरीला चीज, अच्छे से इसको फैला लें। अब मैं डाल रही हूँ सारी सब्जियों को इसमें, सारी सब्जियों को धीरे धीरे कर इसमें डाल दें और इसके ऊपर अच्छे से हाथों से सारी सब्जियों को चारों तरफ फैला दें। बिल्कुल मार्केट की तरह दिखने में ये होनी चाहिए, इस तरीके का ही होता है ना मार्केट वाली, तो आप इस तरीके से अच्छे से इसको लगा लें चारों तरफ फैलाते हुए। अब मैं टमाटर लगा रही हूँ इसमें, ऊपर से टमाटर लगा लें। तो चलिए, इसमें मैं डालूँगी अब थोड़े से पनीर के क्यूब्स, मेरे पास पनीर भी थी, मैं इसे भी डाल रही हूँ। आपके पास ना हो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सब्जियों से ही पिज़्ज़ा बना लें। थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑर्गेनो, आपके पास कुछ भी नहीं हो तो बगैर इसके भी आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप क्या करें, लाल मिर्च ले लें और उसको हल्की सी मिक्सी में घुमा लें तो आपकी चिली फ्लेक्स जो है बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए पैन जो है हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें क्या करेंगे कि हम इस पिज़्ज़े को रख देंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये पिज़्ज़ा लग रहा है, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल बाजार की तरह। तो इस तरीके से इसमें डाल दें, ध्यान से डालें वरना हाथ जो है जल सकती है।
अब इसको 15 मिनट के लिए कुक करना है। लीड लगाकर आप इसको अच्छे से कुक कर लें। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। सारी सब्जियां भी पक गई है और चीज़ भी है अच्छे से मेल्ट हो गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीज़ जो है मेल्ट हो गई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। मुझे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। तो आप सबको कैसी लगती है पिज़्ज़ा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से पिज़्ज़ा अगर घर पे बनाते हैं तो आप सबको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए बाज़ार वाली पिज़्ज़ा आप भूल जाएंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।